अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत अच्छे होंगे। कराची से पेशावर का हमारा सफ़र जारी है। इस वक्त हम मोटरवे M1 इस्लामाबाद टूल प्लाजा से एंटर होने वाले हैं। 4:25 हो रहे हैं। कराची से हम सुबह तकरीबन 10 रवाना हुए थे, और किराए की बात करते चलो तो मैंने अराउंड 4500 रुपये किराया पे किया है। बट ये किराया फिक्स नहीं है, किराए के अंदर कमी जाती होती रहती है, कभी 5000, कभी 5500, कभी 4500। टाइमिंग की बात करते चले तो सुबह 8:30 पहला टाइम निकलता है, फिर 11:00, फिर उसके बाद 1:00, फिर 3:00, और फिर 5:00। और पेशावर से भी इसी तरह वक्फे से टाइम निकलते रहते हैं। सुबह 8:00 से लेकर शाम 4:00 तक शाइन एक्सप्रेस के टाइम पेशावर से निकलते हैं, और सुबह 8:30 से शाम 5-6 तक कराची से पेशावर के लिए भी निकलते हैं। बुकिंग नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर किसी दोस्त ने रब्ता करना हो तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पेशावर से पेशावर की तरफ जब हम निकले मोटरवे M1 पर, तो रास्ते में मुख्तलिफ टूल प्लाजा से हमने एग्ज़िट किया, जैसे कि अब हम रशक टूल प्लाजा से एग्ज़िट कर रहे हैं, सॉरी एंट्री ले रहे हैं। और रीज़न उसका ये है कि हमने यहाँ मुसाफिर उतारे थे, किसी जगह पर कुछ सामान उतारा है, तो इस तरह मुख्तलिफ इंटरचेंजेस के टूल प्लाजा से हम एग्ज़िट ले रहे हैं, फिर दोबारा एंटर हो रहे हैं। 3-4 जगहों पर हमने मोटरवे से एग्ज़िट लिया, फिर दोबारा एंटर हुए। तो ये थी मेरी कराची से पेशावर ट्रिप की एक वीडियो, जो कि आपने देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
आज ऐसा बनने की यार तो पम क्यू यार जाडा की वसवाने ने कुछ जोमा तो से आसे बोलले जो कुछ कमी आ डीजल लरा रवावडा का सौदा मदा कोई हिसाब हो जो को डायरेक्ट से हिसाब खुश हो ना को बोले की सा यार देर के लग चुको ये वो तो बनना है ना नहीं ऊपर की सा ऊपर वाला सा दी जब ना कोले बैठ ले कौन तो नंबर बैठ सकता है अरे तो बड़ा जी चर्चा यार इधर तो रखे मारे चलो जी बहन सजा डक सके भी हाँ और सरो उस वाले यूनिक दियो मार के तो उस वाले उस वाले की सारे और कुछ होना है नहीं कुछ होना वक्त है यार नहीं कुछ नहीं सारे चल तो सही था सुई यार हाँ गंदा होता गंदा होता जी बहन खाली चार सदी अली दसान उन्हें फ़ेज़ोता 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 जी ऊपर तो फ़ेज़ोता जी ऊपर तो चार सदी अली ले दे पुन्ना लाने दे चार इस वक्त हम नियाजी अड्डा पहुंचने वाले हैं जहां पर शाहीन एक्सप्रेस का आखिरी स्टॉप है और तकरीबन सुबह के 6:30 के अराउंड टाइम हो रहा है। तो कराची से पेशावर तक हम 20 घंटे और तकरीबन 30 मिनट में पहुंचे हैं। काफ़ी अच्छी टाइमिंग मिली है। शुरू में आपने देखा होगा ड्राइवर इतनी ख़ास गाड़ी नहीं चला रहा था, अच्छी गाड़ी नहीं चला रहा था। और मुझे मेरे दोस्त युशा ने भी बताया जो कि शाहीन एक्सप्रेस में होता है कि पहले टाइम वाले आमतौर पर हल्की स्पीड से आते हैं ताकि जब पेशावर पहुँचे तो वहाँ रात का अंधेरा ना हो बल्कि कुछ उजाला हो रहा हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सामने कुछ कुछ रोशनी नज़र आना शुरू हो गई है। और जब हम यहाँ पेशावर पहुँचे तो फजर की नमाज का टाइम था, बल्कि यहाँ करीब में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ जमात भी हो रही थी। तो जिन्होंने नमाज़ पढ़नी थी तो उन्होंने भी नमाज पढ़ ली, उनकी नमाज निकली नहीं है। तो ये थी पेशावर ट्रिप की एक वीडियो। पेशावर से वापसी का ट्रिप भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट ट्रिप तो नहीं कह सकता कि नेक्स्ट ट्रिप जो शेयर होगा पेशावर से वापसी का होगा, पर उसके उससे नेक्स्ट ट्रिप में कोशिश करूँगा पेशावर से वापसी का शेयर करूँ और वो ट्रिप मदीना एक्सप्रेस में होगा। तो अगली ट्रिप में अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।